दोस्तों इस वीडियो में हम आप बच्चों से डिस्कस करने वाले हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। तो बच्चों ये जो थ्योरी है ये हेबलर के द्वारा बनाई गई। इससे पहले हमने जो कंपेरेटिव कॉस्ट थ्योरी है जो कि रिकार्डो के द्वारा बनाई गई थी उसको हमने डिटेल में समझा था। उसमें जो थ्योरी है वो लेबर पर आधारित है, यानी कि वो थ्योरी मान के चलती है कि अगर हम लेबर को डबल कर देते हैं तो प्रोडक्शन भी डबल हो जाएगा। साथ ही साथ वो ये मान के चलती है कि लेबर होमोजीनियस है, यानी कि लेबर की सभी इकाइयाँ समान रूप से एक जैसी हैं। इन्हीं दो एजम्पशन पर आलोचना की है हेबलर ने और अपनी नई थ्योरी डेवलप की जिसको कि हम जानते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी के नाम से। तो उन्होंने कहा कि लेबर इज़ दी ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो रिकार्डो की थ्योरी है उसमें केवल लेबर को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माना गया है, यानी कि उसने ना लैंड का यूज़ किया ना कैपिटल का यूज़ किया, केवल दो ही फैक्टर हमने माने, एक ही फैक्टर माना है। साथ ही साथ लेबर को होमोजीनियस माना। इन्हीं अनरियलिस्टिक एजम्पशन की वजह से एक नई थ्योरी डेवलप की जिसको कि हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। ये थ्योरी जो डेवलप हुई है हेबलर के द्वारा, उसकी बुक का नाम था द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड 1936 में। उन्होंने इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सहारा लिया और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के माध्यम से, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की हेल्प से ये समझाने का प्रयास किया कि किस तरीके से देश इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं और कितना कितना प्रोडक्शन जो है वो करते हैं। तो पहले मैं आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो कंसेप्ट है वो समझा देता हूँ जिससे कि आपको मेरी बात समझ में आ जाए। देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को गेन करते हो, जब आप किसी चीज़ को पाते हो तो आपको लॉस करना पड़ेगा। तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो होता है डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन। जब हम बात कर रहे हैं एक तरीके से आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल ट्रेड में, तो यहां पे इसका मतलब आप लगा सकते हो कि आपने यूनिट ऑफ एक्सपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट जो आप करते हो एक तरीके का लॉस है, अपॉन यूनिट ऑफ इंपोर्ट। ओके बच्चों, तो इसका जो स्लोप है उसको हम एमआरटी के द्वारा प्रेजेंट करते हैं। बेसिकली ये थ्योरी आपको ये समझाने की कोशिश कर रही है कि आपका जो लॉस हुआ है उसको, मतलब एक तरीके से जो आपने इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट करने के लिए आपको कितनी यूनिट एक्सपोर्ट करनी पड़ रही है, यानी कि एक यूनिट इंपोर्ट करने के लिए कितनी यूनिट एक्सपोर्ट करनी पड़ रही है, इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बच्चों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तीन तरीके की हो सकती है। पहला है इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है तो जो आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के थ्रू इसको शो करते हैं तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इस तरीके का बनेगा। दूसरा है हमारा कॉन्स्टेंट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस केस में हमारा पीपीसी जो है वो इस तरीके का बनेगा। और तीसरा होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस केस में हमारा पीपीसी जो है वो इस तरीके से बनेगा। बच्चों इसके बारे में डिटेल वीडियो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बनाई हुई है, आप चाहो तो वहां पे जाके देख सकते हो, जिसमें आपको इंडिफरेंस जो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसी में हमने आपको बताया हुआ है कि आखिरकार अलग अलग केस में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो स्लोप होता है वो किस तरीके का होता है। तो बच्चों हमने यूजीसी नेट पीजीटी तमाम तरीके के कोर्सेज बनाए हुए हैं जो कि आपको हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेंगे। उसी में आप अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप ये देखोगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी जिसमें हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की स्लोप के बारे में डिस्कस किया है। तो हेबलर ने अपने इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी को समझाने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का यूज किया और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के थ्रू बताया कि एक देश दूसरे देश के साथ किस तरीके से ट्रेड करने में इन्वॉल्व होता है। तो बच्चों थ्योरी मैं समझाऊं उससे पहले कुछ अजम्पशंस हैं, आप एक बार अजम्पशंस देख लीजिए ताकि हमारी थ्योरी को समझाना आपके लिए भी आसान हो और मेरे लिए भी आसान हो जाए। सबसे पहले हम ये मान के चल रहे हैं कि केवल दो ही कंट्री हैं। दो कंट्री का मतलब है कि हम यहाँ पे मान रहे हैं कि दो कंट्री हैं, दो कंट्री हैं, ए कंट्री और बी कंट्री, यानी कि दो देश हमने मान लिए, ए देश और बी देश। आप इंडिया नेपाल मान सकते हो, अमेरिका यूएसए मान सकते, यूएसए इंडिया मान सकते हो, कुछ भी मान लो, मैंने ए और बी मान लिया है। ईच कंट्री प्रोसेस टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर एंड कैपिटल, यानी कि हमने क्या किया, दो गुड्स मान ली है,
टू इंटू टू इंटू टू मॉडल हो गया एक तरीके का ये, यानी कि दो कंट्री हैं ए और बी, दो लेबर हैं, लेबर दो फैक्टर हैं लेबर और कैपिटल, और दो ही गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं एक्स गुड्स का और वाई गुड्स का। तो आप याद रखिएगा मॉडल टू इंटू टू इंटू टू पर बेस्ड है, यानी कि दो कंट्री हमने मान लिया है एक्स ए और बी, दो गुड्स हैं एक्स और वाई और दो फैक्टर है एल और के। तो इस तरीके से हम बच्चों अपनी थ्योरी को समझाएंगे। इसके अलावा देयर इज परफेक्ट कंपटीशन इन बोथ फैक्टर एंड कमोडिटी मार्केट। बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि इसकी परफेक्ट कंपटीशन होने की वजह से जो एम सी एक्स है वो बराबर होगा पी एक्स के, और एम सी वाई जो है वो बराबर होगा पी वाई के। इसका मतलब जिस समय कंडीशन इक्विलिब्रियम की होगी उस समय एम आर टी, क्योंकि इसके स्लोप को आप एम आर टी बोलते हो, वो बराबर होना चाहिए पी एक्स अपॉन पी वाई के। तो ये इसका मतलब है, परफेक्ट कंपटीशन हमने मान लिया है। इसका अलावा हम ये मान के चल रहे हैं कि द प्राइस ऑफ ईच कमोडिटी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ मनी, वो हमने आपको बता दिया। द प्राइस ऑफ ईच फैक्टर इक्वल टू मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्टिविटी इन ईच एम्प्लॉयड, यानी कि जो उसकी प्रोडक्टिविटी है उसके बराबर उसको पैसा दिया जा रहा है। सप्लाई ऑफ ईच फैक्टर इज फिक्स, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारी सप्लाई है फैक्टर की वो फिक्स है, उसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं हो रहा है। इसके अलावा फैक्टर आर इमोबिल बिटवीन टू कंट्री, यानी कि एक देश से दूसरे देश में फैक्टर नहीं जाते, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को फिक्स मानेंगे इस तरीके का। तो इसकी वजह से जब हम ये मान लेते हैं कि इमोबिल है, तो इसका मतलब हमारा पीपीसी जो है वो अपनी जगह से चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से कोई टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं होता है। इसके अलावा ट्रेड बिटवीन टू कंट्री अनरिस्ट्रिक्टेड, यानी कि किसी भी तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है ट्रेड का। तो बच्चों ये अभी हमने समझा। देखिए इंटरनेशनल ट्रेड हम तीन कंडीशन में पढ़ेंगे। पहली कंडीशन जो हम आपको इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉन्स्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक, मैं आपको सबसे पहले कॉन्स्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में समझा देता हूं, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि इंटरनेशनल ट्रेड किस तरीके से होगा। देखिए कॉन्स्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है, कॉन्स्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि जो आपकी इंडस्ट्री है वो कॉन्स्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री है, कॉन्स्टेंट कॉस्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके फैक्टर हैं दे आर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट, हम ये मान के चल रहे हैं, यानी कि आप एक फैक्टर की जगह दूसरे फैक्टर का यूज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें और यहां पे हम एक्स गुड्स की बात कर लेते हैं और वाई गुड्स की बात कर लेते हैं, तो मान लीजिए अगर एक कंट्री 10 एक्स गुड्स बनाती है तो 0 वाई बनेगी, अगर वो या आप मान लीजिए चलिए मान लेते हैं अगर वो एक एक्स बनाती है या एक वाई बनाती है तो उसका मतलब उसके पास 8 एक्स बनेंगी, अगर दो वाई बनाती है तो 6 एक्स बनेंगी, तीन बनाती है तो 4x बनेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में आप देख पा रहे होंगे कि एक y को बढ़ाने के लिए आपको 2x का ही सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, या आप कह सकते हो यहाँ पे अगर आप y गुड्स लिख लेते हैं ज़्यादा बेटर रहेगा, यहाँ x लिख लेते हैं। तो इसका मतलब है कि एक x को बढ़ाने के लिए आपको 2y का ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आप x को इम्पोर्ट कर रहे हो तो एक x को इम्पोर्ट करने के लिए आपको 2y का एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, और ये कॉन्स्टेंट रहता है, जिसकी वजह से आप अगर बनाओगे इंडिफरेंस सॉरी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की स्लोप जो है वो बिल्कुल सीधी बनेगी, ये आपको समझना है। तो मैं आपको बस यही बताना था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की जो स्लोप है वो सीधी क्यों बनती है, यानी कि लिखा हुआ है कि व्हेन प्रोडक्शन इज गवर्न्ड बाय कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन टू कमोडिटी रिमेन कॉन्स्टेंट एंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन कर्व फॉलिंग होगा और साथ ही साथ स्ट्रेट लाइन होगा। बच्चों दो बातें आपको याद रखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं अंडरलाइन कर देता हूं, और ये इस पूरी की पूरी थ्योरी की समरी होगी, इसी बात को हम आपको डायग्राम के थ्रू समझाएंगे। सबसे पहला तो आपको याद रखना है ये वाला, यहां से इफ द स्लोप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कर्व ऑफ टू कंट्री आर सेम so that the opportunity cost curve are parallel to each other, there is no trade is possible. मैं समझा देता हूँ बच्चों आपको अलग से डायग्राम बना के। इसका मतलब ये हुआ, ये डायग्राम ये कहना चाह रहा है कि अगर आपका इस तरीके का है दो देशों का, मान लीजिए ये हमारा है ए बी जो कि ए देश का है, ए कंट्री का है,
और ये है हमारा मान लीजिए सी डी जो कि बी कंट्री का है। यहां पे एक्स गुड्स लिख लेते हैं और यहां पे वाई गुड्स लिख लेते हैं। तो इस केस में इंटरनेशनल ट्रेड करने से किसी भी तरीके का फायदा नहीं होगा, हमें यह बात समझनी है, क्योंकि इस केस में जो इंडिफरेंस जो 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 आप कह सकते हो पीसीसी है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, वो पैरेलल है। तो यहां पे यही बात बताई है कि इफ द स्लोप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कर्व ऑफ टू कमोडिटी आर सेम सो दैट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दो देयर इज नो ट्रेड कैन बी पॉसिबल द गेन फ्रॉम ट्रेड कैन इमर्ज ओनली व्हेन द स्लोप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कर्व आर डिफरेंट। यानी कि इस केस में अगर आप चाहते हो गेन ऑफ ट्रेड हो, यानी कि व्यापार से फायदा हो, मैं इसको थोड़ा साइड ले जाता हूं, तो इसलिए क्या, इसके लिए क्या जरूरी है कि दो देशों का जो स्लोप है वो अलग अलग होना चाहिए। यानी कि एक तो देश के इस तरीके का मान लिया हमने, मान लीजिए जैसे ये एक कंट्री का है और ये बी कंट्री का है। इस केस में इंटरनेशनल ट्रेड करना फायदे का सौदा होगा। ये मान लीजिए ये है, ऐसा है, ये एक का एक कंट्री का है, ये बी कंट्री का है। तो इस केस में भी प्रोडक्शन करना फायदे का सौदा होगा। यहां पे आप देखिए इस केस में भी मान लीजिए ए कंट्री का है, ये बी कंट्री का है। कहने का सिंपल मतलब ये है कि आपको याद रखना है, नंबर वन, कि अगर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों देशों की कांस्टेंट है और इस तरीके का भी आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, तो इंटरनेशनल ट्रेड करना फायदे का सौदा नहीं होगा। इंटरनेशनल ट्रेड करने से फायदा तभी होगा जब दो देशों का जो पीपीसी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसके स्लोप में चेंजेस हो, एक तो याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कि इस कंडीशन में जो कंट्री होगी वो फुली स्पेशलाइजेशन का प्रयोग करेगी, यानी कि फुली स्पेशलाइजेशन को अपनाएगी। ये दो बातें आपको याद रखनी है, इन्हीं दो बातों को मैं आपको समझाने का बच्चों कोशिश करूंगा इस डायग्राम के थ्रू। देखिए पहली बात आपको याद रखनी है कि इंटरनेशनल ट्रेड करना फायदे का सौदा तभी होगा जब दो देशों के पीपीसी में स्लोप में डिफरेंस हो। अब चलिए मैं आपको समझा देता हूं, आपको आसानी से समझ में आ जाए। मान लीजिए हम यहां पे 10 लिख लेते हैं और यहां पे हम लिख लेते हैं 20, यहां पे हम लिख लेते चलिए मान लीजिए 20 और यहां लिख लेते 40। इसका मतलब यह हुआ कि जो ए कंट्री है मान लीजिए वो दोनों बना रही है, इसका मतलब यह हुआ कि वो क्या कर रही है, 5x बनाती है और 10y बनाती है, यानी कि आधा x और आधा y पे अपने सभी रिसोर्सेस को लगा लेती है। इसी तरीके से जो बी कंट्री है वो क्या कर रही है, वो 5x बनाती है 10x और 20y। अब मान लीजिए कि वो स्पेशलाइजेशन करते हैं, स्पेशलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि ए देश केवल एक गुड्स को बनाएगा, दूसरा देश दूसरी गुड्स को बनाएगा, लेकिन इस केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेम है, मतलब दोनों ही देशों में जो एक्स है, एक एक्स जो है वो 2y के बराबर है दोनों ही देशों में, जिसकी वजह से ट्रेड करने से फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा फायदा, देखिए यहां पे समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए एक कंट्री क्या करती है, केवल और केवल एक्स बनाती है, एक कंट्री केवल एक्स बनाने का मतलब है 10x बनाती है, और बी कंट्री केवल वाई बनाती है, वाई बनाने का मतलब 40y बनाती है। तो इस केस में अगर वो चाहती है, यानी कि अगर ए देश चाहता है कि वो 5x दे दे तो उसको 10y मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 5x को गिव अप करता है तो उसे केवल 10y ही मिलेगा, इसका मतलब उसके पास फिर से 5x और 10y ही रहेगा। यानी कि इस केस में इंटरनेशनल ट्रेड करने से किसी भी तरीके का फायदा मुझे तो नजर नहीं आ रहा है, यानी कि उसकी कंडीशन में वो वहां पे जहां पे पहले था वो फिर से वहीं पे रहेगा। यानी कि इस केस में पहले वो मान लीजिए इस पॉइंट पे था और इतना वो 5 अपने लिए बनाता था, 5x और 10y इतने पे था वो। अब क्या हुआ बच्चों,
ट्रेड करने के बाद उसने ज्यादा तो बनाई, लेकिन इतना उसने क्या किया, एक्सपोर्ट किया और इतना उसने इंपोर्ट किया, जिसकी वजह से वो उसी पॉइंट पे बना रहा जहां पे पहले था। इसका मतलब इस तरीके के जगह पे इंटरनेशनल ट्रेड करने से किसी भी तरीके का फायदा नहीं होगा। फायदा होने के लिए जरूरी है कि आप इस तरीके के स्लोप में हो। मान लीजिए ये 20 है, ये 10 है वाई गुड्स के लिए, यहां पे 10 है, ये 20 है। तो अगर बी कंट्री केवल और केवल बनाए एक्स और ए कंट्री केवल और केवल बनाए वाई, तो दोनों ही देशों को फायदा होगा। और इस तरीके का अगर हम स्लोप बना दें पी एक्स अपॉन पी वाई का, और ये हमारा एमआरटी है, तो इसका मतलब है कि इस केस में दोनों ही देशों को फायदा होगा और आपको एक नया इंडिफरेंस का मिल जाएगा। इसका मतलब आप पहले से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे एक्स का भी और वाई का भी। तो बच्चों इस तरीके से हमने समझा, आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक देश में एक्स बनाना और वाई बनाने में अब कंपैरेटिवली फायदा है। अगर हम ए देश की बात करें तो ए देश वाई बनाएगा और जितनी उसको एक्स चाहिए वो बी कंट्री से ले लेगा, क्योंकि बी कंट्री में एक्स बनाना सस्ता है। बी जो है वो केवल एक्स बनाएगा और वाई से ले लेगा, और ए कंट्री से ले लेगा वाई, क्योंकि ए कंट्री में वाई बनाना सस्ता है। तो कहने का सिंपल मतलब ये हुआ, आप बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, दो बातें इसमें जरूर आपको निचोड़ निकालना है कि अगर दो पीपीसी का स्लोप सेम है तो इंडिफरेंस करने से कोई फायदा नहीं होगा कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की कंडीशन में, और अगर डिफरेंट है तो ही फायदा होगा। यानी कि अगर कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में स्लोप डिफरेंट है दोनों देशों का तो ही फायदा होगा। और साथ ही साथ इस केस में फुल्ली स्पेशलाइजेशन दो देश अपनाते हैं। बच्चों ये तो हमने आपसे बात की कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। इसके अलावा दो केस और बनते हैं जिसमें से एक है इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट, दूसरा है डिमिनिशिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट। वो बच्चों हम आगे फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। बच्चों अगर आप हमारा फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो आप हमारी एप्लीकेशन के थ्रू, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल एप्लीकेशन है, उसको ज्वाइन करने के उसमें कोर्स आपको मिल जाएगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।